हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए फिजिक्स के टॉप 100 और दोस्तों केमिस्ट्री के टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन का दोस्तों हमने सिलेक्शन किया है, जो कि दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर दोस्तों आप इस सभी क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ से दोस्तों आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सबसे पहले दोस्तों हम लोग फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन का जो है तैयारी करेंगे, मतलब फिजिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और फिर दोस्तों आपको बता दें कि इसके आगे हम जो है केमिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन को हम लोग जो देखने का काम करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी जो है इस सभी क्वेश्चन का जरूर तैयारी कीजिएगा। तो चले दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हम लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर के जरूर आप लोग जो है हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो दोस्तों फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, यानी कि जड़त्व का माप निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आज का जो एक का जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि द्रव्यमान। कौन सा दोस्तों? द्रव्यमान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, जड़त्व की जो मात्रा का जो माप होती है। नेक्स्ट यहाँ जो दोस्तों आपका दो नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो आज दोस्तों दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि कैलोरी। किसमें दोस्तों? कैलोरी में हम लोग खाद्य ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो दोस्तों आपका तीन नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे जो है यहाँ पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के है ना अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। आपको क्वेश्चन पूछा गया कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ आपको बता दें कि तीन का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि दोस्तों आपको बता कि द्रव्यमान बराबर फार्मूला होता है संवेग बट्टे जो है सॉरी यहाँ पर संवेग बट्टे आवेग है ना, संवेग बट्टे वेग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका चार नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ जो है आप लोग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चार नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चार नंबर, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। आप सभी को पता होगा जब बस चलती रहती है और अगर एकाएक क्या करती है, ब्रेक लगाती है, अचानक ब्रेक लगाती है, तो जितने भी यात्री होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। इस बातों को हम किस सिद्धांत से, गति के किस नियम से जोड़ करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चार का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि न्यूटन का पहला नियम। कौन सा नियम दोस्तों? न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि सभी वस्तुएँ है ना, या तो जो गति में वो गति में रहना चाहती हैं, यानी तो जो विराम में है वो विराम में रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। जब तक कोई बाहरी बल किसी भी वस्तु पर कार्य नहीं करती है, तब तक दोस्तों वो अगर कोई गति में है तो गति में रहना चाहती है और अगर कोई विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। तो होता क्या है, जो बस है, बस में जो लोग बैठे हुए हैं, इसमें क्या होता है कि बस चल रही है और जो व्यक्ति बैठे हैं वो भी दोस्तों चलते रहते हैं। होती क्या है, बस जब एकाएक ब्रेक लगाती है, बस के ब्रेक लगाने के साथ साथ जो व्यक्ति जो बैठे हैं, तो जो पार्ट बस के कंटेक्ट में वो पार्ट तो रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला सर वाला जो पार्ट दोस्तों आगे ही चलती रह जाती है, जिसके कारण दोस्तों आगे झुक जाते हैं सभी लोग जो यात्री बैठे होते हैं बस में। नेक्स्ट यहाँ जो आपका पाँच नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि समुद्र के पलवन है ना करते, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। आपको ये बताना है कि समुद्र है और समुद्र में आइस जो आपका बर्फ है, बर्फ क्या कर रही है, तैर रही है। तो मान लीजिए कि ये दोस्तों आपका क्या है, समुद्र मानिए या फिर पानी मानिए, ये पानी है, समुद्र है और इसमें बर्फ का जो टुकड़ा है वो तैर रही है। तो तैरेगी तो क्या होगा, कुछ भाग नीचे जाएगा और कुछ भाग पानी से ऊपर रहेगा। तो आपको ये बताना है कि पलवन में, समुद्र में पलवन करते, पलवन मतलब जो तैरते हुए समझ सकते हैं, तैरते हैं ना, आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है,
कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है, इसे आपको, ये आपको बताना है। तो कितना भाग नीचे नहीं बताना, ऊपर कितना भाग रहता है ये आपको बताना है। तो 5 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 1/10 भाग। 1/10 भाग दोस्तों कहाँ रहता है, ऊपर रहता है और बाकी का नीचे रहता है। अगर कोई 10 cm मोटा अगर कोई बर्फ है तो 9 cm नीचे होगा, पानी के नीचे 9 cm, और 1 cm कहाँ होगा, ऊपर होगा। आप इतना आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। आप सभी को पता होगा जब आप दलदली सड़क पे चलते हैं तो फिसलते हैं, तो इसका कारण क्या है। तो 6 का जो दोस्तों सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि घर्षण की कमी। क्योंकि जो दलदल सड़क होता है उस पर दोस्तों फ्रिक्शन यानी कि घर्षण जो है कम हो जाती है, और घर्षण कम होने के कारण हम फिसलते हैं। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उदाहरण देता है। यहाँ पर आपको पूछा गया कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उदाहरण देता है। तो यहाँ जो दोस्तों आपका जो है 7 का सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा का। किसका दोस्तों, प्रकाशीय ऊर्जा का जो है उदाहरण है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोलर प्लेट के माध्यम से हम प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत में और सेल सेल में स्टोर करके रख सकते हैं, बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, तो प्रकाशीय ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा रहा कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। अभी सभी जानते हैं जितने भी मोटर गाड़ी हैं, स्वचालित मशीन ये गाड़ियां हैं, सभी में दोस्तों द्रव चालित ब्रेक लगाया जा रहा है। तो ये जो प्रयोग है वो किस नियम का सीधा प्रयोग जो है ये आपको बताना है। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो ये होगा, पास्कल का नियम। किसका नियम दोस्तों, पास्कल के नियम का दोस्तों सीधा प्रयोग किया जा रहा है। जो भी आपके मोटर गाड़ी है, आप सभी जानते होंगे एयर ब्रेक लगा होता है सभी में, तो ये एयर ब्रेक जो है वो किसके नियम का डायरेक्ट उपयोग है, तो पास्कल के नियम का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ जो दोस्तों आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जब दूध को प्रबल ढंग से है ना मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है। जब आप दूध को मथते हैं तो क्रीम उससे अलग क्यों हो जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, यानी कि अपकेंद्रण बल के कारण। किसी कारण, अपकेंद्रण बल के कारण। आपको पता होगा दूध पीने की एक मशीन भी आती है जो इस टाइप का गोला टाइप का होती है और उसमें चक्र जैसा लगा होता है, और इस पर दोस्तों क्या किया जाता है कि दूध इसमें ऊपर से गिराया जाता है और ये चक्र को पूरी फास्ट से क्या होती रहती है, घूमती रहती है। इसके कारण होता क्या है कि जो हल्का है जल है वो बाहर फेंक जाती है, बाहर की ओर जो है चली जाती है, और जो क्रीम है वो जो भारी होता है वो केंद्र में दोस्तों बैठ जाती है और केंद्र से नीचे गिरती है। तो ये किसका है, अपकेंद्रण बल का दोस्तों उदाहरण, अपकेंद्री बल का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन जितने भी हैं वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो 10 का सी ऑप्शन से होगा, यानी कि रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों काम करती है। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है, सॉरी 10 के बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो 11 का जो सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि 1/6। कितना दोस्तों, 1/6 होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से कितना होता है, तो 1/6 होता है। नेक्स्ट यहाँ आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे जो है पूछा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। किसी भी तुल्यकारी ग्रह मतलब पृथ्वी से तुलना किया जाए तो उसका जो है पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितना होगा, पृथ्वी की सतह से, ये आपको बताना है। तो 12 का दोस्तों ए ऑप्शन है सही होगा, यानी कि 36,000 किलोमीटर। अगर कोई भी ग्रह है पृथ्वी से, पृथ्वी के नज़दीक, तो वो कितना दूर है पृथ्वी की सतह से, तो 36,000 किलोमीटर कम से कम दूर है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। आप सभी जानते हैं कि वर्षा का बूंद जो है वो गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें हैं
वो गोलाकार दिखाई पड़ती है आपको या फिर गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, मतलब वो किस देश से किस रहने वाले थे, ये आपको सिंपली बताना है। तो 14 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी होगा, यानी कि ग्रीस के, किस देश के दोस्तों, ग्रीस के रहने वाले थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो आपका 15 नंबर महत्वपूर्ण, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। यहाँ पर आपको बताया गया कि भाई पानी में, पानी का एक गिलास है, उस गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा क्या हो रही है, तैर रही है, तो जब पूरा बर्फ़ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर में, पानी का स्तर ऊपर उठेगा कि नीचे गिरा गया, कम होगा कि या फिर अधिक होगा, ये आपको बताना है। तो 15 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि उतना ही रहेगा, मतलब पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, न तो कमेगी न ही बढ़ेगी। तो इसका कारण है कि आपको बता दें कि जो बर्फ तैर रही है, एक तो पहली बात कि 1/10 भाग ही ऊपर होती है जब तैरती है बर्फ, तब इसका मतलब 9 भाग नीचे ही है, तो स्तर तो पहले से बना हुआ है, बस 1 भाग जो है ऊपर है। इस ये भी दोस्तों मेकअप हो जाती है किसके कारण, तो आपको बता दें कि जो पानी का घनत्व तो है ज़्यादा होता है और बर्फ का घनत्व तो कम होता है, जिसके कारण 1 भाग वो भी दोस्तों क्या हो जाती है, उसमें ही समाहित हो जाती है। नेक्स्ट जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया, ये नियम किसने दिया, ये आपको बताना है। तो 16 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, यानी कि न्यूटन ने, बहुत ही फेमस है न्यूटन ने, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान है। 1 kg द्रव्यमान का कोई पिंड है और उस पर आपको बताना है कि कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वबल का सही मान कितना होगा, 1 kg द्रव्यमान के वस्तु पर कितना गुरुत्वबल लगता है, ये आपको सिंपली बताना है। तो 17 का जो बी ऑप्शन है होगा 9.8 न्यूटन। किसी भी 1 kg के वस्तु पर दोस्तों आपको बता दे कि कितना गुरुत्वाकर्षण जो है बल लगेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो 9.8 kg, सॉरी 9.8 न्यूटन, याद रखिएगा बल है तो न्यूटन में होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP कितने वाट के बराबर होता है। तो आप याद रखेंगे कि 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP जो है वो 746 वाट के बराबर होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, 746 वाट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। कौन ऐसे व्यक्ति थे, विद्वान थे, जिन्होंने पहले ही बता दिया था, न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जितने भी वस्तु हैं वो पृथ्वी उस वस्तु को क्या करती है, अपने तरफ जो है आकर्षित करती है, खींचती है, ये किसने पहले बताया था। तो आपका 19 का डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ब्रह्मगुप्त ने, किसने दोस्तों, ब्रह्मगुप्त ने ये दोस्तों सबसे पहले बता दिया था। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मगुप्त जो है भारत के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का यूनिट है, उष्मा का यूनिट कौन है। तो 20 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि जूल, उष्मा का यूनिट कौन दोस्तों, जूल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो आपका यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा गया कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फॉरेनहाइट, है ना, ताप मापियों में एक ही होंगे, कितना डिग्री, जो आप सभी जानते हैं कि ताप माप, ताप को हम लोग डिग्री सेल्सियस, डिग्री फॉरेनहाइट, कैल्विन, इसमें मापते हैं, बट यहाँ पर आपको ये बताना है कितना तापमान होने पर, है ना, पाठ्यांक सेल्सियस और फॉरेनहाइट ताप मापी में एक ही होंगे। तो आपको बता दें कि 21 का जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी कि -40 डिग्री। दोस्तों आपको बता दें कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर होता है -40 डिग्री फॉरेनहाइट के। -40 डिग्री फॉरेनहाइट के दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि -40 डिग्री जो है वो फॉरेनहाइट और सेल्सियस दोनों में एक ही होता है, मतलब यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है,
क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 22 नंबर की, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फॉरेनहाइट में क्या होगा। अगर 60 डिग्री सेल्सियस में है तो फॉरेनहाइट में क्या होगा। तो जब आप दोस्तों इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो 22 का जो आपका सही आंसर निकल के आएगा वो ए आएगा, यानी कि 140 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट यहाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। सतह मतलब ऊपर वाला, कोई जो झील है कोई पोखरा है उसके ऊपर वाला पानी जमने ही वाला है। झील के आधा स्थल मतलब झील का जो नीचे वाला भाग है, जमीन वाला भाग है, उसका जो जल का क्या तापमान होगा। ऊपर वाला पानी जमने वाला है तो नीचे वाले जो पानी है उसका तापमान कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा 4 डिग्री सेल्सियस उसका जो है तापमान होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो 24 का जो बी ऑप्शन है होगा पारा, लकड़ी दोस्तों ऊष्मा का नहीं होती है, जल लकड़ी नहीं होती है, चमड़ा नहीं होती है, तो कौन होता है पारा। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 25 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का है ना संप्रेषण क्या कहलाता है। तो 25 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका बी होगा, यानी कि संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।